अभी आपको बताएं कि साबिक वजीरे कानून राना सनाउल्ला की अहलिया मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जिसने तस्वीर दी है उसी ने भी हैरान रखी है उनके अंदर। आपके आपके ख्याल में वो तस्वीर किसी इदारे की जानिब इदारे की तरफ से दी है? ये इमरान खान ने दी है, इमरान खान के एम्पायर ने दी है उसको तस्वीर, और यही तस्वीर जो है उसी एम्पायर ने, उसी इमरान खान ने वो हीरोइन वहाँ पे रख दी है। अच्छा, एम्पायर जहाँ पे क्या है? इमरान खान को कुछ साथी होगा। अच्छा, आप नहीं समझते पहले हुसैन नवाज किसी तरह तफ्तीश के दौरान जो है तस्वीर लीक की गई, अब राना सनाउल्ला की तस्वीर तो लीक गई की, तो वही क्या चीजें चल अदारे सारी? मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन की जमातों को इस तरह की कार्रवाइयों से उनको उनके अजम से हटाना चाहते हैं? नहीं, अजम से तो हम लोग हट नहीं सकते, लेकिन अंपायर अदारे आप लोग कह रहे हो, मुझे नहीं पता कि कौन से अदारे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब वो धरने में अब खड़ा होके उंगली खड़ी करके एम्पायर को आवाजें देता था, मैं तो उस एम्पायर की बात कर रही हूँ। मेरी तरफ से एक सवाल है मैम, इससे पहले भी इस तरह बहुत सारे तस्वीरें बहुत सारे मामलात के लीकेज हुई है, क्या वो भी इदारों ने या किसी प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे थे? बिल्कुल, इससे पहले जो हुकूमत, इसलिए कि ये जो इमरान खान का एम्पायर है वो ज्यादा इमरान से जो मियां बीवी का रिश्ता होता है वो दुनिया के खास रिश्तों में होता है, एक दूसरे से गुप्त और शनीद भी होती है। राणा साहब एक पॉलिटिकल फिगर है, तो कभी गुप्त और शनीद ने कोई बताया कि ये एम्पायर कौन है, कौन सा? नहीं, हम हमारे घर में कभी इस तरह की डिस्कस हुई नहीं, कभी हमारे घर में इस तरह की बात हुई नहीं, लेकिन प्रोग्राम में तो अक्सर आप उन्हें सुनती हैं। नहीं, वो अलहदा चीज़ है, फैमिली में बिल्कुल घर में हमारे सियासत नहीं होती, हम घर में सिर्फ एक फैमिली मेंबर। मैडम ये बताइएगा, मैडम ये बताइएगा कि अब राना सनाउल्ला को चूंकि वो खाना भी नहीं दे रहे और अद्वियात भी आपके मुताबिक नहीं दी जा रही, उनके वकील का कहना ये है कि उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, आप इसके लिए कोई हाई कोर्ट में किसी अदालत में इंसाफ में जाएंगे? ये लीगल टीम आपको बताएगी, ये इस चीज़ का मुझे इतना ज्यादा उनका इदारों का कहना है कि 3 हफ्ते तक निगरानी करते रहे राना सनाउल्ला की, फैमिली मौजूद थी यानी आप लोग साथ थे, इसलिए जो उनसे वो रेड नहीं की उन्हें पकड़ा नहीं गया, तो आपको मालूम था कि इस तरह का कोई वाकया होने वाला? नहीं, इस तरह जब वो रवाना हो रहे थे तो तैयारी पैक आपने पैक कर? बिल्कुल, तैयारी मैंने करवाई थी सारी, और ये इस तरह का हमें कोई भी नहीं पता था, और ये जो बात कर रहे हैं ना कि जो फैमिली उनके साथ थी, ये एक बिल्कुल ऐसा झूठ है कि आप लोग कहें ना कि वो जा रहा है और वो कहेंगे नहीं नहीं वो तो जहाज जा रहा है, ये इमरान खान उड़ रहा है, तो ये वो वाला इमरान खान जो इस टाइम पे इमरान खान उड़ रहा है। अच्छा, 3 हफ्तों में उनका कहना 3 हफ्तों में आप कितना टाइम फैमिली के साथ गुजारा था उन्होंने? दो दिन हम लोग इस्लामाबाद इकट्ठे हुए हैं, वो इस्लामाबाद से सेशन चल रहा था, हम लोग लाहौर से इस्लामाबाद गए हैं, तो उस दिन हम लोग तकरीबन सैटरडे नाइट हम लोग इकट्ठे फैसलाबाद आए। आप क्या कहेंगे, क्या समझते हैं आज फिर जो है खाना लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है, उकला की टीम भी यहाँ पर आई, तो क्या कहेंगे इसमें? उसमें देखेंगे, इन्होंने हमें बबल बना लिया है, ट्रस्ट डेफिसिट है इनके ऊपर, इन्होंने कल जब खाना आप सब दोस्तों के सामने वापस किया वसूल करके, तो उसके बाद इन्होंने कहा जी कि आप कल खाना सुबह ले आए, हम आपका ले लेंगे खाना, अब हम खाना लेके आए हैं तो फिर वही इनकी किसी भी बात कि जी ऑर्डर आप जो हैं वो आप क्लैरिफाई करवा के लेके आए। अरे भाई, अगर आपने खाना हमसे वसूल नहीं करना तो ये ड्रामाबाजी तो बंद करें, आप तो हमारे इमोशंस के साथ प्ले कर रहे हैं, आप तो ये एक तो अजियत में राना साहब अंदर खुद हैं और उसी तरह उससे बड़ी अजियत में हमें बार बार ये बुला के ये इस अजियत में डाल रहे हैं, लेकिन बात करने का ये मकसद है कि ये कब तक कर लेंगे, ये कब तक कर लेंगे? इन्हें राना सनाउल्ला का अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या चट्टान है, जिन जो जो लोग समझते राना सनाउल्ला को तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगर वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, और इंशाल्लाह राना सनाउल्ला खान साहब जो हैं वो इसको सब्र और तहम्मुल के साथ गुजारेंगे, क्योंकि हम लोग इनसे कोई भीख नहीं मांग रहे कि जी ये राना साहब को खाना दे दें, खाना दे दें, ये उनका राइट है, ये एक आम शहरी का राइट है। राणा साहब अभी कन्विक्टेड नहीं है, राणा साहब अभी एक हवालाती की हैसियत से इधर जेल के अंदर मौजूद हैं, राणा साहब से अभी उनका ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, राणा साहब एक सिटिंग पार्लियामेंटेरियन है, उनके भी हुकूक हैं, ये जो अपना जेल मैनुअल हमें दिखा रहे हैं, जेल मैनुअल क्या है? वो तो एक कैदी के लिए है, क्या आप मुझे बताएं क्या राणा साहब एक कैदी है? बिल्कुल नहीं है कैदी, जब तक ये ट्रायल नहीं होता उसका डिसीजन नहीं आता, राणा साहब को एक पार्लियामेंटेरियन के एक आम शहरी के हकूक प्रोवाइड किए जाएं।
یہ ہمارا مطالبہ ہے، ان حکام سے مطالبہ ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ خود باشعور لوگ ہیں، انہوں نے یہ جھوٹا مقدمہ بنانے کی کوشش کی ہے اور ان کے آپ پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے انشاءاللہ۔ انہوں نے لوگوں کو فیصلہ باد کے اندر ہراساں کرنا شروع کیا ہے، جو بھی کوئی نٹوریس سا ایف آئی آر کوئی 5 سال پہلے، کوئی 3 سال پہلے، کوئی 4 سال پہلے بدنام زمانہ تھی فیصلہ باد، اس کو ان کیسز کو ری اوپن کرنا شروع کیا ہے اور ان کو منسلک کرے رانا صاحب سے۔ کل رات انہوں نے ہمارے حلقے کے یونین کونسل کے چیئرمین حضرات اور وائس چیئرمین حضرات کے گھروں میں سابق وزیر قانون رانا ثناء اللہ کی اہلیہ میری سے گفتگو کر رہی ہیں۔ مناظر اپنی اسکرین پر آپ دیکھ رہے تھے۔